बिहार झारखंड ओडिशा में चलेगी हीट वेव। माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, माँ बिम्बलेश्वरी की, माँ बिम्बलेश्वरी की जय जोहार। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री लखन देवांगन जी, राजेश मुणत जी, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, प्रदीप गांधी जी, श्री अशोक शर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री नारायण चंदेल जी, लोकसभा के संयोजक श्री मधुसूदन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू जी और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे छत्तीसगढ़ की इस प्रतिष्ठित राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आज आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा भी छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे, मैंने कहा भी ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है, और छत्तीसगढ़ तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का माइका है। जितने अभिभूत उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला आगमन, रामलला के पुनरागमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है। और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी इस विरासत का संरक्षण करती आ रही है। सरकारों ने उपेक्षा की होगी, लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छत्तीसगढ़ के अंदर या केंद्र में सदैव अटल जी की सरकार रही हो, या फिर पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जिस मजबूती के साथ
छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है वह अभिभूत करने वाली है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए। आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है, प्रभु रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? देखो, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने उस समय भी उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया? सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको वन के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था। और पहले चित्रकूट आए और फिर दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए। और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी, और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को, यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रत, उस समय की साधना में रत ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, वहां के सभ्य समाज को प्रताड़ित करते थे। उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कालखंड में हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने अपने कंधे में ली थी कि नहीं, निस्सरहीन करो मही का संकल्प लेकर के उन्होंने इसी धरती पर इसको राक्षस विहीन करने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम था कि लंका के राजा रावण को भी अंततः अपनी पूरी खानदान के साथ दूसरे लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ा था। बहनों और भाइयों, प्रभु राम की इस महिमा की भूमि छत्तीसगढ़ में आकर के कौन लोग अभिभूत नहीं होंगे? जब रायपुर में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय यहां के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था मंदिर बनाते समय, कहा कि अयोध्या मैं भी नहीं बन पाया लेकिन हम पहले छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं भगवान राम का मंदिर। तो मैंने कहा पहले तो ननिहाल में ही बालक आता है, जब अयोध्या पे छत्तीसगढ़ में रामलला आ जाएंगे तो अयोध्या में भी अब मंदिर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ है, फिर से रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए आए हैं, तो यह मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम, अंत में उन्होंने कहा था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता दियाई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और सरदेव अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया
किस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। समाज देखेगा ही नहीं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पूरे समाज ने हुंकार भर दी है, अब कोई शांति से बैठने वाला नहीं है। कांग्रेस के लोगों, जितना आपने हिंदू समाज और बाकी समाज को परेशान करना था कर लिया, लेकिन आने वाले चुनाव में 26 तारीख को आप तो और भाग्यशाली हो, चित्रकूट आपके ही पास में है। भगवान राम ने 11 साल अगर किसी के बीच गुजारा तो विंध्य की धरती पे गुजारा, हमें इस बात का गर्व और गौरव है। यही मंदाकिनी का किनारा, वही हनुमान धारा, वो आनंद के तीर्थ, इन तीर्थों को विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने विकास प्राधिकरण की घोषणा करी है हमारे सभी देवताओं के लिए। और हमने कहा है भगवान राम, भगवान कृष्ण जिन जिन जगह पर उनके चरण धरे वो प्रत्येक स्थान तीर्थ बनाएंगे। तीर्थ हमारे लिए, हमारी सरकार में ये हमारा संकल्प है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। अरे जिनके आधार पर देश पहचाना जाता है, और तो और अब देखो कितनी आनंद की बात, मुस्लिमों के लिए माननीय मोदी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया था। अरे मोदी जी की सरकार आए तो देश में आग लग जाएगी, सारे मुस्लिम को पाकिस्तान भेज देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। क्या बिगड़ गया 10 साल में? कभी कहीं दंगा हुआ क्या? कभी किसी को परेशानी हुई क्या? और तो और अब तो पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, पूर्व प्रधानमंत्री, खिलाड़ी इमरान खान, नवाज शरीफ, सारे लोग कह रहे काश मोदी जी हमारे देश के नेता होते, ऐसे आनंद के साथ मोदी जी के कसीदे कर रहे हैं। और ऐसा वो नहीं, पूरे इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के सारे देश मोदी का सम्मान कर रहे हैं और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र सेनानी के रूप में उनको देख रहे हैं, दुनिया भारत की तरफ देख रहे। ऐसे समय में हमारे साथ ये चुनाव मोदी जी को लेकर के है। इस चुनाव में बहुत समझदारी करी मेरे मित्रों ने, आप चिंता मत करना शुक्ला जी, पूरी टीम आपकी जो आई है, सबका मान सम्मान रखना हमारा काम है। आपका हमारे दल के अंदर स्वागत है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, सभी देशभक्तों की स्वागत है हमारी टीम के अंदर, आपका इसी प्रकार से स्वागत है जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है और दूध का आनंद बढ़ जाता है, इस तरह से हम आपको परिवार में लेना चाहते हैं, हमारे अपने इस परिवार में। और हम और आप मिलकर के जितने प्रकार से भारत को तोड़ने के प्रयास हो रहे हैं, जितने प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के रास्ता रोकने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक, जब 2014 में मोदी ने हुंकार भरी, उसके पहले सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन मोदी की आंधी में ऐसे उड़े कि 115 बचे। 2019 में दोबारा मोदी का रास्ता रोकने गए तो ऐसे उड़े कि एक बस में आ जाए केवल 52 बचे। पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। बहनों और भाइयों, अब ये देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा होगा, बदलते हुए भारत को देखा होगा। 10 वर्ष में क्या ये कभी हुआ? ये कभी हो पाया? देश के अंदर बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की पहली सरकार थी जिन्होंने 1 रुपए किलो चावल यहां के गरीबों को, यहां के आदिवासी वनवासियों को देना प्रारंभ किया था। और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पिछले 4 वर्ष में 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही है। कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था, भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, महिलाओं के सामने अपनी सुरक्षा का संकट था। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कवर, हर वर्ष 5 लाख रुपए की। यही नहीं,
50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए गए, जो पैसा कमीशनखोरी का कांग्रेसियों की प्रवृत्ति का हिस्सा था, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह उस पर रोक लगाने का काम किया। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूहों को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के मकान मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। उत्तर प्रदेश ने 56 लाख गरीबों के मकान बनाए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों को छत्तीसगढ़ के अंदर मकान से वंचित किया था, क्योंकि मोदी जी पैसा देना चाहते थे लेकिन भूपेश बघेल उसको लेना नहीं चाहते थे। इन गरीबों को मकान देने का मकान न मिले, इसका दोष भी अगर किसी के ऊपर है तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, हर घर नल की योजना लागू हुई। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में, एक नए भारत का दर्शन, कश्मीर में आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, तो 3 तलाक की कुप्रथा को भी सदैव के लिए समाप्त किया गया। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि यहां के गरीब किसानों से धान को अतिरिक्त बोनस देकर के खरीदने की परंपरा को जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने तय किया था, उस परंपरा को कांग्रेस सरकार ने बाधित किया। श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से उसको जीवित करके यहां के अन्नदाता किसानों को फिर से आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया। 18 लाख गरीबों को मकान देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो कहा है जो 80 करोड़ गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक हम निरंतर जारी रखेंगे। मोदी जी ने यह भी कहा है 3 करोड़ गरीबों को अन्य मकान देंगे। मोदी जी ने यह भी कहा है कि जितनी भी गरीबों के लिए योजनाएं हैं, इसमें और तेजी के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी ने कहा है इस देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल लीडर भारत, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक के चेहरे पर चमक हो, हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, बेटी हो या व्यापारी, इन सबको सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था का सम्मान भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग फ्री में राशन दे पाते? क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते? क्या कांग्रेस के लोग नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर पाते? क्या कांग्रेस के लोगों के द्वारा बेटी और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता है? ये कांग्रेस तो समस्या का नाम है, ये समस्या देती है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है, और भारतीय जनता पार्टी के इसी समाधान को लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं कि मोदी जी को आपने 2 कार्यकाल दिए हैं, 3रा कार्यकाल भी सौंपिए। बहनों भाइयों, अभी देश के अंदर चुनाव हुए हैं, 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, पूरे देश के अंदर एक ही लहर है, एक ही आवाज है, और वह आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो फिर एक बार मोदी सरकार की जो गूंज है,